नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मशरकी चंपारण पूर्वी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक के फुलवार चौक पे। चुनावी यात्रा में एनएन न्यूज की टीम फुलवार चौक पर पहुंच गई है और लोगों से जानने की कोशिश करेगी। अगले महीने से बिहार इलेक्शन स्टार्ट हो जाने वाला है और बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला बिहार की जनता को करनी है। बिहार की तमाम पार्टियां अपने अपनी दावेदारी पेश कर रही है, मगर ये फैसला सिर्फ जनता को करना है और एनएन न्यूज की टीम बिहार के तमाम जगहों पर जाकर के जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव। सबसे पहले कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अमिता प्रसाद है। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? हमारा लग रहा है कि हम जहाँ भी जाएंगे भाजपा के लिए बोलेंगे, भाजपा को दीजिए। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार बने, चाहे पार्टी जिसको बनाते, किसी को भी बना दे, मगर भाजपा को वोट। इसका वजह सेवा करता है, जो जनता का सेवा करेगा उसको वोट दिया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? धनलाल सर। क्या लग रहा है इस इलेक्शन में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? भाजपा को हम सर किसी को नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट देना है। हम लोग भाजपा का जरूर करेंगे, भाजपा का कैडर है, सब बातें नहीं। कोई पार्टी आएगा इस बिहार के अंदर, हम लोग वोट देंगे। भाई इसके पीछे कुछ वजह है बताएंगे? बस ये है कि सेवा करेगा भाजपा वो ठीक है, देश होगा तो ही है, ये सत्ता चला रहा है। केंद्र में तो है ही भाजपा, राज्य सरकार में, राज्य सरकार में भी इनका भी सत्ता चाहिए, कहीं चले जब विकास होगा, नहीं तो इसका बीच में विकास नहीं होगा। भाजपा से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग के पास ऐसा बात नहीं, दिमाग में जो बनेंगे सवाल नहीं। आला कमान जिसको बनाएगा बनाएगा। आपका नाम क्या हुआ? शंकर प्रसाद। क्या लग रहा है चुनाव में? तो हम लोग को तो टिकट देखी है, भाजपा वोट दीजिए। यहाँ जो भी मिलेगा भाजपा को वोट मिलेगा, चाहे नीतीश अगर सरकार बनेगा भी तो पार्टी का सपोर्टर होगा। बैलेंस में है, हाँ, चाहे शाम बिहारी जी, चाहे कोई भी आएगा नू तो तीर छाप से आएगा। अगर शाम बिहारी जी आ रहे हैं तो हम लोग शाम बिहारी जी के वोट देंगे। और ये आपका रोड रोड तो रोड तो इतना ना अच्छा है, जे आप लोग आए हैं तो आप ही लोग समझ लीजिएगा। जब रोड रोड तो क्या कह रहे हैं, रोड तो टू लेन से कन्फर्म हो गया है मेरा, सैलान से लेकर बेलनार तक। हाँ, वो तो स्वीकृति मिली है, मिल गया तो फिर बनेगा ही। अब इससे ज्यादा क्या दिक्कत है? किसको दे रहा है? नीतीश कुमार को एनडीए से जो भी आएगा यहाँ से जीत के जाएगा। कटिया विधानसभा है, मन बना लिया एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए काम करेगा, अब चोरों का सरकार थोड़ी बनेगा। बस नीतीश कुमार का है, बीजेपी एमएलए जो भी है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार गुप्ता। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल वही जो अभी बोले हैं, यहाँ से एनडीए से चाहे जो भी आए, कोई भी है, वो यही जीतेगा। जब एनडीए का मतलब बोलबाल आप लोग नकड़ी विधानसभा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोजपा भी आती है तो लोजपा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आए एनडीए से, जो भी प्रत्याशी एनडीए से कमाइन कोई भी आए आए प्रत्याशी। आप लोग तो बहुत दूर दूर तक घूमते हैं, यहाँ का सुरक्षित व्यवस्था मिला लीजिए, यहाँ कैसे कैसे प्रतिनिधि लोग है। कहना है कि आज तक का जितना विधायक है कुछ अगर काम किया तो विजय गुप्ता और समीम साहब, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं किया। अच्छा, नहीं किया तो राजे जी को जितने दीजिए, विजय गुप्ता दोबारा जी रहे, समीम साहब दोबारा जी जाएंगे, नहीं कभी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। नहीं, बेरोजगारी पर कुछ बोलिएगा? बेरोजगारी तो सब धरातल पर है, कोई है काम यहाँ? चरम सीमा पर बिहार का बेरोजगारी। चरम सीमा पर है बेरोजगार का। बेरोजगार तो पढ़े लिखे लोग तो फूट पर घूम रहे हैं, हम लोग तो बिना पढ़े लिखे है। पढ़े लिखे के थोड़ा आइएगा आप भी, पढ़े लिखे लोग तो फूट पर घूम रहे हैं। आपका नाम क्या है? कौशल पाल है। क्या कहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? क्या कहेंगे उनका जो है, तो सब उनसे लोग मैंने समझिए कि एकदम हो चुका है। नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार
इस बार हटाना है नीतीश कुमार। अब क्या कहा जाए, देखिए नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, उम्मीद है। उम्मीद है, उम्मीद तो है। आखिर नीतीश कुमार के उगने की वजह क्या है, लोग उगे क्यों है? तो बहुत सा कारण है। बेरोजगारी पर कुछ बोलिएगा, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाम क्या हुआ आपका? ब्रज किशोर प्रसाद। इस बार बिहार एकादशी पर कौन बैठेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अब देखिए कौन बैठता है, दोनों में कोई बैठेगा, इन दोनों में कोई बैठेगा। आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लग रहा है? अब राय हम कैसे दे सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको कुछ लग रहा है? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तो अच्छे हैं, लेकिन सात निश्चय जो योजना जो बोले थे इसके पहले वाले इलेक्शन में कि हम सात काम नहीं पूरा करेंगे तो हम वोट मांगने का नहीं जाएंगे कहीं। फिर भी वो योजना नहीं पूरा हुआ है, तो बिजली को छोड़ करके सात निश्चय जी ने सात निश्चय किए थे जब पब्लिक के सामने, मैंने पब्लिक के सामने सात निश्चय किए थे ना, देखिए कितना कीचड़ है, कहीं ना नाला है, ना कहीं रोड है, ना कुछ नहीं है। पहले देखिए वो तो जनता के ऊपर है, वो तो जनता के ऊपर है। नाराजगी है आपके? नाराजगी तो नहीं, एकदम नाराजगी है, एकदम सबसे बड़ी बिहार की समस्या। माने वो तो अपने मुंह से बोले थे इसके पहले वाला इलेक्शन में जनता के पब्लिक के बीच में कि मैं सात निश्चय सात काम नहीं करूंगा, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, बोले थे? नहीं बोले थे, कहा था कि नहीं कहा था? गलत है, वो सात निश्चय में सात काम में कयों काम हुआ है? एक तो बिजली है, न नल है, न नाला है, न रोड है, नल जल में तो पानी की तरह, न शराब बंद हुआ है, न शराब बंद हुआ है, नल जल में तो पानी की तरह पैसा। तो अपने सोचे कि हम सात निश्चय करके आए थे पब्लिक के सामने, उसमें कौन कौन पूरा किया है? कागज पूरा कर लेंगे तो नहीं ना हो जाएगा, धरातल पर काम उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। उस सोचे ना कि हम, माने हम जो कहे थे हम क्या क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, मजबूरी भी है। क्या क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि इनके अलावा दूसरे कोई भी कौन मजबूरी है, कोई सरकार बनती है तो यहाँ पर जनता का कुछ नहीं होता है। सब लोग अपना अपना फैसला सुना देती है कि हम ये कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कुछ किए तो नीतीश कुमार किए, लेकिन अभी जल नल रोड नाला कुछ नहीं हुआ, जनता का क्या भरोसा है? दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है नीतीश के अलावा? नीतीश के अलावा विकल्प है, लेकिन फिर भी जनता है, जनता जनार्दन है, जो चाहे वही करे। राजा अगर जगदीश आप नाराज देखिए वोट का मतदान है, जब कल तक कोई कहेगा वो रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट बताएंगे कहाँ जा रहा है। जो आपको क्या लग रहा है, हम पूरा पब्लिक के जवाब हम अकेले नहीं दे सकते हैं, सबसे बड़ी बदलाव। देखिए सरकार का नियम है कि है, क्या सरकार किसी की भी रहे बदलाव होनी चाहिए कि नहीं राज्य में? तो पूरा पब्लिक ना समझेगा, पूरा आपको क्या लग रहा है बदलाव होनी चाहिए? राज्य में तो बदलाव होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, जानकार रूप में खोज पूछ भी होना चाहिए, खोज पूछ भी होना चाहिए, नया चेहरा आएगा तो नया काम होगा। पैसा दिया सरकार क्या हो गया, इसके बारे में तो खोज पूछ भी होना चाहिए। नल जल नाला पब्लिक के लिए सड़क रोड सरकार दिया, कुछ यहाँ मिला नहीं। विधानसभा चुनाव में आप विधानसभा क्षेत्र के नाम मैं अभी फुलवार चौक पर खड़ा हूँ, इलेक्शन में मुद्दा क्या बनेगा आप लोगों का, कौन सा मुद्दा लेकर आप वोट देंगे, किसी को भी वोट दें आप, मुद्दा कौन सा होगा आपका वोट देने का? यही ना पब्लिक सोच में पड़ जा रहा है, जो सरकार दे रहा है कुछ मिलता नहीं है पब्लिक को, थोड़ा काम हो गए, विकास के काम अच्छा नहीं हो रहा है, विकास का काम अच्छा नहीं हो रहा है। देखो एक नीति कोई कहीं है तो विकास के काम बहुत जगह जाने पर लोग आ रहा है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, जो रोड बनवाएगा उसको एक मुद्दा बन रहा है ना कि रोड हमारे लिए। आप लोगों का कौन सा मुद्दा होगा? नाला बन गया है, नाला के चलते, नाला और रोड के चलते जल नहीं लगता, कोई फर्क नहीं है।
लेकिन नाला और रोड के चलते नरक बन गया, सब नरक भोग रहा है, वो इसी में रह रहे हैं, तो क्या बुझाएं कि देहात में पैसा लोग रह रहा है। जब आएंगे आपसे किसी भी पार्टी का हो तो उनसे आप लोग डिमांड करेंगे ना। अब लीजिए पहले पे इसी पहले पहले के अब इलेक्शन में डिमांड करेंगे, आप लोग कैसे आए हुए हैं हमारे गाँव में देश में। हाँ अब इस क्षेत्र में अगर विकास किए होंगे तो पब्लिक से मांगा जाए, ठीक है। चल रही है फिर मैंने कैसा कैंडिडेट भेज रहे हैं तो उनके ऊपर निर्भर करता है। एसी में बैठे हुए हैं तो एसी में बैठे थोड़ा हो जाएगा, इसी का प्रभाव होता है, पब्लिक बैठा ही नहीं होता है, जाएगा तो मजबूरी हो ना समझेगा। इसके पहले टिकट मिल गया आपको पंखा छाप से, दूसरे क्षेत्र के थे, हार गए। हालांकि हर साल से बेसी भाजपा के चलते लोग वोट दिया, भाजपा अलायंस के चलते, लेकिन फिर भी हार गए। तो कैंडिडेट के ऊपर भी तो निर्भर करता है, नहीं करता है। सवाल ये है, देखिए आपका, देखिए सरकार प्रजातंत्र का नियम है, वोट गुप चुप होता है, आप कहवाना चाहते हैं आप? वोट हम ये नहीं पूछ रहे किसको दीजिएगा, मेरा सवाल ये है कि आप वोट देंगे किसी को भी दीजिए, वो आपके साथ खुलकर नहीं बोलना आपको, मगर वोट का मुद्दा क्या होगा? वोट विकास दूसरा क्या एक मुद्दा होगा ना भाई? मुद्दा वही है, देहात में सड़क नहीं है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, नाला नहीं है, सड़क नहीं, सबसे मेन मुद्दा यही है। नल रही जाना है, नल से वही जाना है, नल तक ही तो नाला सड़क ही चलो, बेकार हो गया, जो नल लगा है उसका पानी आई नहीं रहा है। सुविधा रोड होना चाहिए, नाला होना चाहिए, ये सब सुविधा का चीज है। हाँ मैंने बिहार में क्या किया, साथ में सेट किया, खा रहे थे, साथ में काम करेंगे, वोट मांगने जाएंगे, नहीं आएंगे। शिक्षा सही है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे कुछ कहेंगे बिहार में? शिक्षा व्यवस्था चौपट चौपट हो गया, पतन हो गया, शिक्षा पतन हो गया, पतन हो गया। कहाँ है यहाँ बिहार में, कहाँ है? खोजने पूछने वाला कोई है नहीं, मास्टर लोग पढ़ाते नहीं है, पब्लिक क्या करेगा बताइए? सरकार क्या किया है? नीतीश कुमार सरकार है, कौन किया है? कौन किया है? लालू प्रसाद जो है इलेक्शन बीपीएससी बोर्ड से जो बाहर के, वो सब मास्टर ना है, वीडियो सी और इनका मास्टर है सब। आई शिक्षा में से बहाली किए, मुखिया कहीं मास्टर को बहाली करता है? तो वही ना पावर दी मुखिया, कौन मुखिया बहाली किया? घुसखोरी बढ़ गया ना उसे अपना आदमी, मैंने पंचायती चुनाव से कुछ इतना ना प्रोत्साहन बढ़ गया है गांव में, सरकार सब लोग अपना उसको वोट दिया तो उसे माने उसको है तो उसे तो मास्टर वही ना बहाली किए हैं, उसे कौन किया है? सरकार की है, उसके मापदंड के अकॉर्डिंग आया होगा तभी बहाल हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी है सरकार से? हाँ नाराज लोग है, खुश भी है, सब तरह का लोग ना है। नजरीन आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर सिर्फ सबसे ज्यादा सात निश्चय योजना के लेकर के जो बात है, अभी फुलवार चौक पे हम खड़े हैं, लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सात निश्चय योजना जो था अगर हम पूरा नहीं करते तो वोट मांगने नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि योजना पूरी नहीं हो पाई है सरकार की तरफ से। चुनाव के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठता है, फिर भी हम लोगों से ये जानने की जगह जगह कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन से आईएनएन न्यूज मोतिहारी।